ये कोई तरीका नहीं होता माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, आपने बिहार के 10 लाख युवाओं से रोजगार का वादा किया था, भारत के युवाओं से नहीं। डोमिसाइल नीति लागू नहीं होना चाहिए सर, डोमिसाइल तो लगा करके हम लोग के प्लेट में खाना दे के छीन लिए। डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में महिला अभ्यर्थी हमारे पास हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू जब होगा उससे क्या हानि होगा? मुझे डोमिसाइल नीति लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपने उन लोग की मजबूरी है, वो लोग मजबूर कर दिए हम लोग को आज यहाँ आने पे, वो लोग आप लोग मजबूर कर दिए हम लोग यहाँ आने पे। हम लोग को अपने अधिकार के लिए लड़ना है, हमें अपना अधिकार चाहिए, बस मुझे हमें हम लोग को अपना अधिकार चाहिए। कहीं ना कहीं इस भीड़ में उन लोग की बहू बेटी भी हुई है। क्या लगता है डोमिसाइल नीति हट पाएगा? सर डोमिसाइल तो लगा करके हम लोग के प्लेट में खाना दे के छीन लिए इनके, ये अपना पीएम बनने का सपना जो सोच रहे हैं कि हम बिहार के बेरोजगार युवाओं के पेट पे लात मार के पीएम बनेंगे, तो हमारा सपना चकना चूर करके हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। ये कोई तरीका नहीं होता माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, आपने बिहार के 10 लाख युवाओं से रोजगार का वादा किया था, भारत के युवाओं से नहीं। अगर आज आप तर्क दे रहे हैं तो आप कैसा नियमावली निकाले हैं कि आए दिन संशोधन होता है? ये क्या संविधान से भी बड़ा है कि हर दिन ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट किया शिक्षा मंत्री हम लोग सब बेरोजगार हैं, अदर स्टेट को क्यों घुसाया जा रहा है? वो सीएम नहीं बन पाएंगे पीएम तो बहुत दूर की बात है, हम लोग कहां जाएंगे? बिहार स्टेट को घुसा रहा, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी तो इसमें रहेंगे। आप ये बताइए बिहार में टैलेंट की कमी थी तो बीएड के समय हम लोगों को सब्जेक्ट वाइज क्यों नहीं किया गया था? हम लोगों को इंग्लिश मैथ केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट को अलग अलग क्यों नहीं पढ़ाया गया? आज 7 साल की जब उम्र होगी ना तभी से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, 20 साल से मुख्यमंत्री है, शिक्षा का डेवलप क्यों नहीं हुआ ये हमको बताइए? जब हम बच्चे थे तभी से नीतीश कुमार सीएम पद पर है तो आज वो टैलेंट दिखा रहे हैं, तो जब हम 7 साल से थे तभी वो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ पाए? इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ पाए? उस समय कहाँ था, सोया हुआ था जब हम लोग जो पढ़ रहे थे तो कहाँ? बिहार में इंग्लिश और ये साइंस का टीचर कम है जो डोमिसाइल नीति को हटाया गया पहले क्यों किया? पहले नहीं है डोमिसाइल नीति को लेकर के विरोध कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति के लिए ही विरोध कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारा घर है तो पहले हमें मौका मिलना चाहिए ना, तब अदर स्टेट को मौका मिलना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अदर स्टेट का आना सरासर अभी तक आपने श्रीमान कहा कि हम बीपीएससी से एग्जाम लेंगे, हमने कहा कि ठीक है, आपने कहा माइनस मार्किंग वो भी सही है, बीएड अपीयरिंग सही है, सीटेट अपीयरिंग सही है, लेकिन श्रीमान अदर स्टेट वाले कहाँ से सही है? ये कहाँ की न्याय है? हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा सपना टूटा है, हमने अपना जमीन घर गिरवी, आज हम कहीं के नहीं रहे, ये अन्याय नहीं होगा, हमें ये चाहिए। देख लीजिए हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। नीतीश कुमार डूब मरो, शिक्षा मंत्री शर्म करो। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, सैकड़ों की संख्या में महिला अभ्यर्थी भी है और अनुरोध भी कर रहे हैं ये जो डोमिसाइल नीति का जो मामला है उसको सॉल्व किया जाए और जो बिहार के छात्र हैं उसको प्रमुखता देते हुए उनको रोजगार पहले दिया जाए। सरकार ने भी वादे किए हैं, अब आने वाले दिनों में क्या होगा डोमिसाइल नीति को लेकर के ये सरकार और अभ्यर्थियों के बीच का मामला है, अब देखना यह होगा कि सरकार पीछे हटती है या नहीं। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।